हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ मीनल शर्मा आई एव डन माई मास्टर्स इन बॉटनी आई आईव ऑल्सो क्वालिफाइड सी एस आई आर यू जी सी नेट जून टू थाउजेंड नाइनटीन एंड गेट इन लाइफ साइंसेस इन 2020. ये जो हमारा चैनल है इस पर हम सी एस आई आर यू जी सी नेट जे आर एफ ट्वेंटी ट्वेंटी इसको टारगेट करने वाले हैं इन द स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंसेस अब हमें पता था कि ये एग्ज़ाम जून ट्वेंटी फर्स्ट को होने वाला था बट अभी ये पोस्टपोन हो गया है पैंडमिक की वजह से सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या जिन्होंने अभी पढ़ना ही नहीं शुरू किया था इस एग्ज़ाम के लिए तो अगर ऐसा कोई इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है या रिविजन करना चाहते हैं तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज़ ये आपको हेल्प करेगा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन कि आप अपना सारा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएँ और रिविजन uh, भी कर पाए सो so, इस फर्स्ट वीडियो में हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न को स्टडी करेंगे बिकॉज़ ये एक काफ़ी फोमोस और फाउंडेशन स्टेप होता है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे ही आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी जो होती है वो बेस्ड होती है आप इसी के ही हिसाब से अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील फोकस ऑन द एग्ज़ाम पैटर्न इस एग्जाम के तीन पार्ट्स होते हैं पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देख सकते हैं तीन आपको उसमें पार्ट्स मिलेंगे जो हमारा फर्स्ट होता है पार्ट ए उसमें हमसे मैक्सिमम ट्वेंटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा अब पहले ओ एम आर पे होता था अब सीबीटी मोड पे होगा तो जो पार्ट ए है उसमें आपको ट्वेंटी क्वेश्चन में से जो आपका पार्ट ए है उसमें आपको ट्वेंटी क्वेश्चन में से मैक्सिमम फिफ्टीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट बी में आपको फिफ्टी क्वेश्चन में से थर्टी फाइव क्वेश्चन करने होते हैं मैक्सिमम एंड पार्ट सी में आपसे 75 फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपका पार्ट ए है उसमें जो आपका हर एक क्वेश्चन है वो टू मार्क्स कैरी करता है पार्ट बी में भी हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स कैरी करेगा और पार्ट सी में आपका हर एक क्वेश्चन फोर मार्क्स कैरी करेगा सो so ये काफी हेवी सेक्शन होता है इस एग्जाम का और यही जो आपका टोटल स्कोर होता है ना जो आपका टोटल स्कोर बढ़ा सकता है या कम कर सकता है वो यही सेक्शन होता है पार्ट सी अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो आपका जो सेक्शन जो आपका टोटल स्कोर होगा फिर वो काफ़ी फ्लक्चुएट होने के चांसेस होते हैं और फिर आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे तो वो फिर आपका टोटल स्कोर ही डिसाइड करेगा तो इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है जो आपका नेगेटिव मार्किंग की स्कीम है वो ओवरऑल जो आपका एग्जाम है ना उसमें 25% परसेंट नेगेटिव मार्किंग है हर एक सेक्शन में तो मतलब जैसे इसमें टू मार्क आपको पर क्वेश्चन मिल रहे थे सही आंसर के लिए तो रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड सेम इज़ द केस विद सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है आपका पार्ट सी है इसमें आपको फोर मार्क्स हर एक राइट right आंसर के लिए मिल रहे थे बट डिडक्ट भी वन मार्क्स होंगे फॉर एवरी रोंग क्वेश्चन तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका एक मार्क डिडक्ट भी होगा सो so यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है इस सेक्शन में वो भी बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत केयरफुली इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है ये स्कोर आपका बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है सो so जो टोटल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो है वन फोर्टी जिसमें से हमें सिर्फ सेवेंटी फाइव करने होते हैं तो मतलब जो आपके पास चॉइस है ना आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कौन से सेक्शन में से कौन सा सेक्शन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो आपके पास काफ़ी ब्रॉड चॉइस है तो ये एक आ, बहुत आ, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे यहाँ खेल सकते हैं इस एग्जाम में और आपके पास जो मैक्सिमम आपको मार्क्स अलॉट हो सकते हैं डैट इज टू तो आपका जो स्कोर आएगा वो आउट ऑफ टू आएगा देन अब आप, आप पूछे अगर कि सेफ अटेम्प्ट है इसमें तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 130 से 135 प्लस इतना स्कोर अपने आप को अपने माइंड में एक टारगेट बना के चलेंगे तो अगर तो आपका जे आर एफ क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता मतलब ये तो फिर अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो जो प्रीवियस ईयर मेरिट गया हुआ है आज तक कट ऑफ गया हुआ है तो आप जे आर एफ तो आराम से स्कोर कर लेंगे तो हमेशा अपना टारगेट इस एग्जाम के लिए आप 130 से 135 मार्क्स के बीच में तो रखिए आउट ऑफ 200 ठीक है अदरवाइज आप अगर मतलब 95 से 105 आई वुड से अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपका नेट एंड मे भी अगर जे आर एफ का उस साल कट ऑफ कम गया तो मे भी आपका जे आर एफ हो जाए बट अगर आप वन थर्टी से वन थर्टी फाइव के बीच में अपना टारगेट रखते हैं कि आप इतना तो लेंगे ही लेंगे वन थर्टी तो आपका जे आर एफ तो होगा ही होगा कोई भी नहीं रोक सकता उससे देन इफ यू लास्ट में कि पार्ट ए में पूछा क्या जाता है हमसे पार्ट ए के पार्ट ए जो है हमारा वो एक जनरल सेक्शन है इसमें आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डे टू डे साइंस हमने आज तक पढ़ी है ना बचपन से उसके बेसिस पे आपसे नॉर्मल जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम यूजली इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है लॉजिकल रीजनिंग भी होती है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन भी होते हैं बट आप मुझे अगर ये बोले कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है लॉजिकल रीजनिंग है तो ये तो डिफ़िकल्ट होगी बट ऐसा नहीं है ये आपका कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको वो इस पर जज करना चाहेंगे तो ये एक काफ़ी बेसिक आपसे लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है पाथ फाइंडर की इनफैक्ट एक बुक आती है रेड कलर की आईके एक बुक है जो आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और बाकी Uh, उन्होंने भी कॉन्सेप्ट्स और एम सी क्यूज़ दिए हैं जिनको आप डेली बेसिस पे अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी हर दिन अटेम्प्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डैट इज़ इनफ़ यू यूल डू डू वेल इन दिस सेक्शन और प्रीवियस क्वेश्चन को तो पक्का देख के जाइए इस सेक्शन के लिए देन कमिंग टू पार्ट बी एंड पार्ट सी ये जो सेक्शन्स हैं ना इन पार्ट में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब ये लाइफ साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो भी आपका सिलेबस है लाइफ साइंसेस का ये उसके अंदर से आपको पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड है आपका प्लस इसमें जो पार्ट बी है इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चनस पूछे जाते हैं कन्वेंशनल मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके थेरोटिकल क्वेश्चन हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हैं आपके ये आपने जो भी आज तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है या थ्योरी पढ़ी है कुछ भी चाहे वो एवोल्यूशन की हो या सेल बायो की हो जिसकी भी थ्योरी है उसके बीच में से आपको डायरेक्ट uh, क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट की समझ पे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे देन जो पार्ट सी है ये आपके साइंटिफिकली कॉन्सेपचुअलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें दे आर वेरी लॉन्ग क्वेस्स प्लस एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्शन में एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में आपको लेंथ भी दिखेगी काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे और वो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होंगे जिस पे आपको आपने जो भी आज तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करना है और फिर अपने दिमाग में वो एक्सपेरिमेंट सोचना है कि अगर हम इस तरीके से जैसे पूछा गया है ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगेगा उस एक्सपेरिमेंट पे सो so, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यूजुअली बच्चे इस सेक्शन से डर जाते हैं और बिकॉज ये बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे बट uh, मुझे ये सेक्शन पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ईजी लगती थी और मैं इसमें यूजअली ट्वेंटी थ्री प्लस ही हमेशा क्वेश्चन करके आती थी जो uh, हमेशा मैक्सिमम 22 या 23 थ्री क्वेश्चन ही ठीक होते थे अच्छा अटैम्प्ट रहता था इसमें तो इसी की वजह से इसी सेक्शन में मेरा स्कोर इसी सेक्शन की वजह से मेरा स्कोर अच्छा आया था तो आपको भी इस सेक्शन से डरना नहीं है इस क्वेश्चन इस सेक्शन पे प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको अटैम्प्ट करना है सो so ये था हमारा एक जनरल एग्जाम पैटर्न फ्रेंड्स ये चैनल एक इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री नॉलेज मीडियम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाए और इस चैनल के थ्रू मैं आप मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द स्ट्रैटी टू क्रैक सी एस आई आर यू जी सी नेट जे आर एफ विच आई फॉलोड आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो थैंक यू